चाहे आपको किसी अनरियल सिचुएशन को बताना हो, या तो किसी को दुआ देना हो, किसी से पोलाइट तरीके से बात करना हो, किसी का पास्ट में जो भी हैबिचुअल एक्टिविटी रहता है उसको बताना हो, ये सारे सिचुएशंस को बताने के लिए हम वोट मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो आज मैं आप लोगों को वोट मॉडल वर्ब के कुछ 6 यूजेस बताऊँगा। सो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडल वर्ब का सबसे पहला यूज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को विश करने के लिए। होट मॉडल वर्ब के मदद से भी हम विश कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग ये देख सकते हैं, होट दैट आई वर किंग। ठीक है, यहाँ पर होट जो है विश करने के लिए हमें होट का मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है। और यहाँ पर होट दैट का मतलब होता है काश में। ठीक है, काश में राजा होता तो ये मेरी क्या है, एक विश है, इच्छा है कि राजा बनने के लिए। दूसरा सेंटेंस है जैसे हुड दैट आई वर अ रिच। ठीक है, यहाँ पर हुड दैट जो है विश करने के लिए यूज़ किया गया है, और इसका मतलब भी होता है काश में धनी होता, काश में रिच होता। ठीक है, हुड दैट आई वर अ रिच। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब। नेक्स्ट यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अगर इंग्लिश में हमें किसी से पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करना है तो हमें हुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल की मदद से बताऊँगा, ये देख सकते हैं, डू टेक अ कप ऑफ टी। ठीक है, क्या आप एक कप चाय लेना चाहोगे। ठीक है, इस तरीके से पोलाइट वे में हमें किसी को ऑफर करने के लिए या किसी से पूछने के लिए हम होट मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। ठीक है, यहाँ पर ओपन द डोर करेंगे, अगर हम यहाँ पर हुड न लगा के बस ऐसा कहेंगे कि ओपन द डोर, दिस इज़ काइंड ऑफ हार्श। ठीक है ना, मतलब रफ है ये। लेकिन जब हमें हमारी लैंग्वेज में जब हमें सॉफ्टनेस लाना है तो यहाँ पर हमें वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। ठीक है, इस तरीके से हमें जब हम वुड मॉडल का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पर ये पोलाइटनेस दिखाता है। ठीक है, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं प्लीज़, दया करके। इस तरीके से हम वुड मॉडल का दूसरा यूज़ होता है। तीसरा यूज़ है हैबिचुअल एक्टिविटी। ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। ठीक है, आपकी जो भी एक हैबिचुअल एक्टिविटी रहा है, हैबिचुअल मीन्स जो चीज़ आप आदत से मजबूर हो, ऐसे चीज़। ठीक है, जो भी आपके पास्ट में रहा उस चीज़ को बताने के लिए भी हम वुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, आई वुड गो फॉर अ स्विम इन द सी। मेरा एक आदत था बचपन में कि मैं नदी में तैरने जाया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी हैबिचुअल एक्टिविटी को जो पास्ट में रहा हो इसको बताने के लिए भी हम वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आई वुड सिट इन द सन एंड टॉक ऑल डे। ठीक है, मेरी एक आदत थे पास्ट में कि मैं सूरज के नीचे, ठीक है, धूप के नीचे बैठकर पूरे दिन बात किया करता था। इस तरीके से हमें बताने के लिए भी हम वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट जो है लास्ट में रखा हूँ मैं। ठीक है, इसको देखना मत भूलिए। सो नेक्स्ट यूज है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप लोगों ने जाना ही होगा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ये नरेशन में आता है। यहाँ पर भी हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। जब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है तो वहाँ पर भी हम वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल गो को हमें आई वुड गो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे फाइनल यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब। ठीक है, ये है इम्प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन को बताना। इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ निश्चित नहीं है, और अनरियल का मतलब जो रियल नहीं है। ठीक है, ऐसे चीज़ों को बताने के लिए भी हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, और इसे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक कंडीशन जो कंडीशन अनफुलफिल है। ठीक है, जो फुलफिल नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ आई वॉन अ लॉटरी गुड बाई अ थिएटर। यदि मैंने लॉटरी जीता होता तो मैं एक थिएटर खरीद लेता। ठीक है, इस तरीके का कंडीशन बताने के लिए। यहाँ पर मैंने सच में नहीं जीता हूँ मैंने। ठीक है, बस ये मेरा क्या है, एक कंडीशन है, काश मैंने ऐसा किया होता तो ये होता, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सेंस में भी हम वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड टेक यू टू द मून। ठीक है, काश मैं एक एस्ट्रोनॉट होता तो मैं आपको मून पर ले जाता। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें सच में मून में लाइन ले जाऊँगा, बस ये मेरी एक कल्पना है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है।
ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन अनरियल कंडीशन को बताने के लिए भी हम वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो वीडियो पसंद आया तो आप लोग साइट में है उसको दबाइए, ठीक है, कमेंट करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।